गंगेचे हे रूप पाहण्यासाठी देश विदेशातून लोक येतात. गंगेचं हे अतिशय तेजस्वी रूप, पण ह्या गंगेचं हे दुसरं रूप, अतिशय ओंगळवाणं. गंगा काठावर अनेक धार्मिक कार्य होतात, त्यानंतरचं निर्माल्य नदीतच टाकलं जातं आणि नदीच्या प्रदूषणात भर पडते. पण अलाहाबादच्या एका विद्यार्थिनीनं हे चित्र बदलायचं ठरवलं. फुलांपासून होणारं प्रदूषण कमी करण्यासाठी तिनं एक आयडिया शोधून काढली. एक बार जब वो भगवान को चढ़ा दिए जाते हैं या किसी भी जगह पे यूज होते हैं तो उसके बाद उनको यूं फेंक दिया जाता है जिससे कि बहुत गंदगी होती है. तो जब मैंने नोटिस किया कि क्यों ना हम इससे कुछ एक खूबसूरत कलर ही निकालें जिससे कि हमें कपड़े को भी रंग सकते हैं और जो कि स्किन फ्रेंडली है. देशातल्या अनेक नद्यांमध्ये निर्माल्य टाकले जातं. या फुलांपासून मनप्रीत नैसर्गिक रंग तयार करते. मैंने फिर मंदिरों के पास जाके वहां के केयर टेकर्स से रिक्वेस्ट की और मैंने इन फूलों को इकट्ठा किया और मैंने फिर ये डाई निकाली है जो कि इको फ्रेंडली है. मनप्रीत रोज गंगा काठच्या मंदिरांमध्ये जाते. तिथल्या मंदिरांमधली फुलं पुजाऱ्यांकडून मागून आणते आणि त्या फुलांपासून लॅबमध्ये नैसर्गिक रंग तयार केला जातो. हम लोगों ने इन्हीं फूलों को उठाकर और गुलाब से डाई बनाया है नेचुरल और उससे हमने सिल्क डाई करी है. ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छी रहेगी और इन इन फूलों का सही उपयोग भी हो पाएगा, नदियां भी साफ हो जाएंगी. तो इस तरीके से ये एक पंथ दो काज हो जाए. मंत्री जी आइडिया गंगा काठच्या पुजाऱ्यांना ही आवडली. जितनी भी डिस्ट्रॉय होने वाली वस्तुएं हैं इस्तेमाल के बाद जो फेंक दी जाती है, ऐसी वस्तु का अगर इस्तेमाल रीयूज हो जाए तो वो भारत के लिए और भारत की नदियों के लिए बहुत ही आनंददायक होगा. प्रदूषण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. मनप्रीतनं ह्याच मोहिमेमध्ये खारीचा वाटा उचललाय, पण तिची ही आयडिया नक्कीच दाद देण्यासारखी आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.